सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज बहराइच में अपनी चुनावी रैली के माध्यम से भाजपा पर साधा निशाना, कहा कि भाजपा के लोग झूठे हैं और इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी के झूठ को कोट करते हुए जनता से सीधा संवाद लिया कि उन्होंने जो आपसे 15 लाख खातों में भेजने का वादा किया था, क्या वो आपके खातों में मिला? तो जनता का जवाब नहीं रहा। इसी तरह बार बार पीएम मोदी व सीएम योगी ये दोनों के नेताओं पर परिवारवाद का तंज कसते रहते हैं। उनका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे गर्व है कि परिवार है मेरे पास, क्योंकि जिसका कोई परिवार नहीं वो क्या जाने परिवार और उसकी उपयोगिता। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास परिवार है, परिवारों की जिम्मेदारियां हैं, और जिनके पास में परिवार नहीं है वो परिवार वालों को क्या जाने। सपा प्रमुख ने देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ प्रधानमंत्री के झूठे वादों और बयानों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दुनिया में हिटलर ही एक ऐसा शासक हुआ है जिसने अपने मंत्रिमंडल में एक प्रोपोगंडा मंत्री बनाया था, लेकिन ये तो उनसे भी आगे निकल गए। सपा प्रमुख ने बीजेपी के नेताओं द्वारा गर्मी निकालने की बात पर जवाब देते हुए कहा कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव के नतीजे इनकी भाप तक निकाल देंगे, और इसी तरह उन्होंने सीएम योगी पर तंज करते हुए कहा कि प्रदेश में साइकिल की लहर चल चुकी है और इसको देखते हुए हमारे बाबा मुख्यमंत्री 11 तारीख को अपना गोरखपुर का एयर इंडिया लाइंस से एयरलाइंस का टिकट बुक करा लिया है। उनको पता चल गया है कि समाजवादी सरकार आने वाली है। आज की इस मीटिंग के जरिए से अखिलेश यादव ने घोषणा की कि अगर समाजवादी सरकार आती है तो जनता को महंगाई जैसी तमाम समस्याओं में राहत दिलाने के साथ साथ 300 यूनिट फ्री में बिजली दी जाएगी, किसानों को नलकूप और सिंचाई की व्यवस्था में छूट दी जाएगी, बेरोजगारों को 20 लाख रोजगारी बच्चों को रोजगार दिए जाएंगे। इसी तरीके से तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जिसका आज उन्होंने पिटारा खोलते हुए जनता को समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने की अपील की और प्रेरित किया। झूठ बोलने वाले हैं, झगड़ा लगाने वाले हैं, इनसे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अब तो कुछ भी समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग एक एक वोट साइकिल के निशान पर डाल करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट से जिताना। एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया, पढ़ा अखबार में कि नहीं पढ़ा? हम और आप लोग अगर पैसा लेने चले जाए बैंक में, तो पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, और अगर पैसा हमें मिल भी जाए, अगर हम एक भी किस्त ना दे पाए, तो बताओ हमारी जमीन मकान और नोटिस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और बताइए 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा लेकर के भाग गया, सरकार को पता ही नहीं है कहां चला गया। और याद कीजिए, पहला उद्योगपति नहीं भागा है, इससे पहले भी उद्योगपति भागा, और बताइए ये जो उद्योगपति भागा है वो कहां का है? और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। उन्हीं का भी एक स्टेटमेंट आया है लैपटॉप को लेकर के, और जो जो लैपटॉप का उनका स्टेटमेंट सुन रहा है वो सब लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारहवीं के बाद जो इंटर कर लेगा उसके लैपटॉप देंगे।
अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो दसवां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। खाली है सरकार में, सरकार में 11 लाख पद खाली है, अभी तक नहीं भरे गए। हमारे कमाल के बाबा मुख्यमंत्री थे जो 24 घंटा काम करते थे, जो 24 घंटा काम करने वाले 11 लाख पद खाली है। मैं कह के जा रहा हूं समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख सरकारी भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकाल करके आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। और इधर कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है, अगर हमें आयु की सीमा को छूट भी देना पड़ा तो नौजवानों को छूट देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ऐसे बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर शाह जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले लोग जा रहे थे, मैंने पुताई वालों को रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। तब पता लगा कि पुताई वाले इसलिए जा रहे थे कि जो धुएं के धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे थे। और जिनको जानकारी होगी वो भी ये भी जानते होंगे कि अभी तो 10 तारीख को प्रणाम आना है, बाकी है, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से गोरखपुर की एरोप्लेन की टिकट 11 तारीख की बुक कर रखी है। ये बहुत झूठे लोग हैं, मदद करिए, सहयोग करिए। ये बीजेपी के लोग बहुत झूठे लोग हैं। आपने हिटलर सुना होगा, हिटलर के जमाने में केवल एक आदमी था जो प्रोपोगंडा करता था, प्रोपोगंडा मिनिस्टर था। अगर दुनिया में कभी भी कोई प्रोपोगंडा मिनिस्टर बना होगा, बातें फैलाने वाला, झूठ बोलने वाला, तो हिटलर ने एक मिनिस्टर बनाया था। उसने अपने साथ एक मिनिस्टर बनाया था जो प्रोपोगंडा फैलाता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार झूठ बोलती है। इसलिए इस चुनाव में मदद करिए। अभी तो बहराइच ने वोट नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। लेकर के किसानों के तीन कानून आए थे, तीन कानून लाए गए थे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कहकर के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में उनको साफ कर देगा। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र
लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और बहराइच के लोग बाबा जी का भाप निकाल देंगे। भाप बताओ, भाप निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? जिन्होंने गर्मी की बात की थी निकालने की, उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आपको याद होगा ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ, काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, ने कोई बचा नहीं पाएगा। आया यूपी में काबा, तब से हो गया बाय बाय बाबा।